नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, पुरुष की राशि यदि सिंह राशि है और यदि स्त्री की मकर राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि स्त्री और पुरुष को बांधे हुए रखती है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के पुरुष और मकर राशि के जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। तो सबसे पहले सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो कि जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो राशि है सिंह राशि, वो संपूर्ण पुरुष की राशि है, रॉयल राशि है, और यह राशि अगर किसी पुरुष की होगी तो उसमें जो पुरुष तत्व है वो बहुत ही जोरों से देखा जाएगा। मतलब उसमें जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छे देखे जाएगी, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। सिंह राशि का मूलभूत जो गुणधर्म है वो कॉन्फिडेंस ही है। मतलब उनसे उनके उनका जो व्यक्तित्व होता है उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना हाई है। डेडिकेशन काफी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर काफी अच्छा होता है, जो भी काम या फिर जो भी बात ये मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, अपने बात पर हमेशा कायम रहते हैं। अब ये जो गुणधर्म है वो उनको करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन अपने बात पर कायम रहना या फिर लीडरशिप क्वालिटीज भी इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं या फिर खास करके पुरुष होते हैं उनमें देखी जा सकती है। जो काम औरों से नहीं होता खुद करके दिखाएंगे, लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, ये बात काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन रॉयल स्टेटस लेकर चलने वाली यह राशि, कोई भी काम अगर जीवन में करना है, छोटी से छोटी बात भी अगर करनी है तो भी काफी अच्छी तरीके से वो करेंगे, बाकी लोग हैं उनसे कुछ अलग करने की चाह इस राशि के जो पुरुष है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो अच्छा रहन सहन में देखा जाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें पसंद आता है। अब यहाँ पर इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी प्रकार का हो, लेकिन आपका जो रख रखाव है, आपका जो आपकी जो सोच है, आपकी जो रहन सहन है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो कहावत है वो इस राशि के जो पुरुष है उनके लिए ही बनाई गई है। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। डेडिकेशन काफी अच्छा होता है, एम्बिशियस नेचर इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है, जो भी काम करते हैं उनमें पूरी तरह से खुद को झोंक देते हैं। गोल ओरिएंटेशन भी काफी अच्छा होता है, इनको पता होता है कि उनको कहाँ तक पहुंचना है, और इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। थिंक बिग वाली जो बात है वो इस राशि के जो पुरुष है उनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है, और इनका जो बाकी के इनके जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। मतलब इनका जो रहन सहन, जैसे हमने कहा कि रहन सहन काफी अच्छा होने के कारण इनके जो स्पेंडिंग, इनके जो खर्चे है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके जो इनकम है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम देखी नहीं जाती। इस राशि के जो पुरुष है नौकरी के बजाय अपने खुद का कोई व्यवसाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि नौकरी में किसी के अंडर काम करना ये पसंद नहीं आता। अगर नौकरी में इनको पूरी तरह से फ्रीडम दी जाए तो इस राशि के जो पुरुष है जीवन में काफी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर नौकरी में भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। फ्रीडम इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, नियम या फिर डिसिप्लिन में रहना ज्यादा इनको पसंद नहीं आता। हालांकि बाकी लोगों को डिसिप्लिन में रखना पसंद करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए इनका जो दिल होता है वो भी काफी बड़ा होता है। मतलब सामने वाला व्यक्ति यदि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक या फिर गलती भी कर जाए, अगर उसने माफी मांग ली तो उसे माफ भी कर देंगे, फिर से वो जो बात है फिर नहीं दोहराएंगे। तो ये जो बात है वो खासी अच्छी देखी जा सकती है। कभी कभी इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी देखी जा सकती है, टू द पॉइंट बोलना इन्हें ज्यादा पसंद आता है, जो बात मन में होती है वही जुबान पर होती है। अगर किसी के कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको वही पर टोकेंगे, अगर कोई अच्छी बात किसी ने कह दी तो उसके लिए अप्रिसिएशन भी इनके इनसे काफी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो ये बात खुले मन के होते हैं काफी, और इनमें जो खुला मन है या फिर ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनका अगर नेचर आप ठीक ठाक अगर समझ लो तो इनके साथ जो रैपो है वो बनाना काफी इजी हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण नेचर है या फिर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि यह जो राशि है स्त्री राशि, इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, इस राशि का जो तत्व है मृत्यु तत्व है,
और ये जो राशि है वह चंद्र राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि के स्त्री में देखी जा सकती है, हालांकि मकर राशि का एक मूलभूत गुणधर्म है वो कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। आपके सामने जो भी काम है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, डेडिकेशन से करना चाहिए, ये बात जो है वो मकर राशि की स्त्री है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनके पर्सनल लाइफ में कितने भी चाहे संघर्ष क्यों ना हो, कितना भी चाहे दुख क्यों ना हो, आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बहुत ही ज्यादा शोषक रहती है और ये इस राशि की जो स्त्री होती है यह आपको दुख कभी भी बोलकर नहीं दिखाएंगे और काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं, अपने उम्र से भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो भी काफी इनडेप्थ होते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में बीतने के कारण जो दुनिया की जो समझ है उनको काफी अच्छे तरीके से आते हैं, तो बचपन से ही थोड़े से पैसे का जो महत्व होता है इनका काफी ज्यादा अच्छी तरह से मालूम होता है। तो पैसे किस तरह से अर्न किया जाए, किस तरह से खर्चे किया जाए, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, इसके बारे में भी इनकी जो मालूम होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। इसमें जो श्रवण नक्षत्र है इन पर घर की किसी ना किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन श्रवण नक्षत्र का जो सौंदर्य होता है वो भी काफी खासा देखा जा सकता है। मकर राशि की जो स्त्री इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इस राशि की जो स्त्री इनमें ऐसा माना जाता है या फिर देखा जाता है, इनके प्रति इस प्रकार की भ्रांति भी है कि इस राशि की जो स्त्री है इनमें इमोशंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं होती, इमोशंस तो होते हैं, स्त्री है तो इमोशंस होंगे ही, लेकिन इमोशंस दिखाना इनको पसंद नहीं आता। जब भी इस प्रकार की अगर कोई बात होती है तो इमोशंस दिखाएंगे, लेकिन दिल में अगर इनके किसी के प्रति प्रेम है तो प्रेम दिखता है, या फिर जब भी इस प्रकार की जरूरत होती है या फिर इस प्रकार की बातें होती है तभी उनका जो प्रेम है वो देखने के लायक भी होता है, लेकिन अननेसेसरी वो जो प्रेम है वो इतना दिखावा करना इनको पसंद नहीं है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी नॉर्मल देखा जाता है, बहुत ही फ्लैशी लाइफस्टाइल इनको पसंद नहीं आता, कर्म को हमेशा ज्यादा तवज्जो देते हैं और इनके लिए जो कमिटमेंट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनके जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत बड़ी देखी नॉर्मली नहीं देखी जाती, बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली इस राशि की जो स्त्री है वो देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी ज्यादा सोशिक होते हैं और इनमें जो समझ होती है जीवन की वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, मैच्योर्ड इस राशि की जो स्त्री होती है वो देखी जा सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप में तो जल्दी से इस राशि की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में नहीं आती क्योंकि वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं। जब भी इनको लगता है कि जो बातें हैं वो ठीक ठाक हो सकती है, आगे जगह कमिटमेंट हो सकती है जो बातें हैं, क्योंकि ऊपरी तौर की जो रिलेशनशिप है दिखावापन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर भी रिलेशनशिप में आ जाए तो सामने वाले व्यक्ति की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंस, बहुत ज्यादा फ्रीडम, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस राशि की जो स्त्री है इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे यदि सिंह राशि के पुरुष और जो मकर राशि की स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगी तो बातें किस प्रकार की हो सकती है। तो नॉर्मली हम देखते हैं सुनते हैं कि जो सिंह राशि है या फिर मकर राशि है वो षडष्टक में आने वाली राशि है, मतलब काले पुरुष कुंडली में परस्पर इनकी ये जो दो राशियां हैं वो षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आते हैं और इन दोनों राशि के जो स्वामी हैं जैसे कि सिंह राशि का स्वामी रवि और जो मकर राशि का स्वामी शनि है वो परस्पर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, इसीलिए इसे मृत्यु षडष्टक कहा जाता है। मृत्यु षडष्टक यानी प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं होता, सिर्फ इस राशि के जो गुणधर्म होते हैं वो काफी अलग होते हैं, काफी विरोधाभास उनमें देखा जा सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि आप देखोगे कि जो सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, काफी ज्यादा इनकी जो सोच होती है वो बड़ी होती है, लार्जर देन लाइफ होती है, वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है और जीवन के प्रति चैलेंज लेना, चैलेंज देना इन्हें पसंद आता है, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें देखी जाती है। इससे बिल्कुल भी अलग जो बात है वो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनमें देखी जा सकती है कि मकर राशि के जो व्यक्ति होते काफी ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं, काम को ज्यादा महत्व देने वाले होते हैं, इनकी जो सोच होती है छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ते हैं, जल्दी कोई बड़ी बात करना या फिर लार्जर देन या फिर दिखावापन इनको पसंद नहीं आता। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी ज्यादा नॉर्मल होता है, अपने जीवन की बातें नॉर्मली वे ओपन करना नहीं चाहते, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं और ये जो बातें हैं वो सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं इनसे काफी अलग देखी जा सकती है। फिर ऐसी कौन सी बातें जिसकी वजह से इस दोनों राशि के जो व्यक्ति है या फिर पुरुष या फिर स्त्री परस्पर रिलेशनशिप में आते हैं, देखिए होता क्या है, निसर्ग का ये नियम भी है कि जो बात अपने में नहीं होती वो अगर सामने वाले व्यक्ति में हम देखते हैं तो एक नेचुरल अट्रैक्शन तैयार होता है, क्योंकि जो सिंह जो
मकर राशि की स्त्री है, इनमें जो मैच्योरनेस है वो सिंह राशि के पुरुष है इनको काफी ज्यादा पसंद आता है। इनका जो डेडिकेशन होता है, इनका जो कमिटमेंट होता है, इनका जो प्रॉमिसिंग नेचर होता है, इनकी जो थिंकिंग होती है वो ज्यादा पसंद आती है सिंह राशि के पुरुष को। और मकर राशि की जो स्त्री है उनको सिंह राशि के पुरुषों को जो एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है, जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, जो फ्रीडम वाली जो नेचर होती है, और चैलेंजेस लेना देना या फिर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, ये जो सभी बातें हैं वो मकर राशि की स्त्री है इनको काफी ज्यादा पसंद आती है। इसी वजह से दोनों जो राशि है या फिर दोनों राशि के जो पुरुष या फिर स्त्री है वो परस्पर रिलेशनशिप में आते हैं और इनकी जो रिलेशनशिप वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन कई ऐसे जो नेचर है दोनों राशियों में वो काफी अलग होते हैं। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि के जो पुरुष है इनकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी हो सकती है, एरोगेंसी इनमें देखी जा सकती है, जो कि मकर राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आती। नॉर्मली वो सह लेती है, लेकिन अगर बात ज्यादा हो जाए तो उनको वो पसंद नहीं आती। या फिर खर्च करने का जो नेचर है सिंह राशि के जो पुरुष है वो खर्च ज्यादा करते हैं, इनका एक्सपेंडिचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, रहन सहन के मामले में इनका जो खर्च ज्यादा हो सकते हैं। अब ये जो बात है मकर राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आती है और इसी वजह से दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार मकर राशि की जो स्त्री है वो कमिटमेंट में थोड़ा टाइम लेती है, अब ये जो बात है, और इनमें जो खुलापन है वो देखा नॉर्मली नहीं जाता, या फिर उनको प्रेम करने का उनका जो नजरिया होता है थोड़ा सा अलग होता है, उनके मामले में इमोशंस जो है वो अलग बाकी की जो राशियां हैं इनकी तरह देखने जाए तो। और ये जो बात है सिंह राशि की जो पुरुष है उनको थोड़ी खटक सकती है, लेकिन हालांकि ये जो बात है वो काफी नॉर्मल है। अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, दूसरों के प्रति अपना प्यार जताना है, तो थोड़ा सा मोल्ड या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट खुद के नेचर में भी करना ज्यादा आवश्यक है। यही महत्वपूर्ण मुद्दे है, अगर इन पे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें कई प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। और जो सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं इनमें थोड़ा सा खुद पे बातों पर अड़े रहना या फिर एडजस्ट नहीं करना, थोड़ा डटे रहना अपनी बातों पर जो मैंने शुरुआत में कही, तो ये जो बात है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो अगर आप इस पर थोड़ा बहुत अमल करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो तो रिलेशनशिप में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशि है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र या फिर योग में हो सकते हैं, उनकी दैनिक गति भी अलग हो सकती है, नवमांश में भी अलग हो सकते हैं। तो सभी का जो अभ्यास है वो करने के बाद आपके राशि के बारे में या फिर आपके जो कुंडली है उनके बारे में ज्यादा मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में सिंह राशि के पुरुष और जो मकर राशि की स्त्री है वो अगर होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपका ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।